मध्य प्रदेश के गुना जिले से लगातार बहुजन समाज पर अत्याचार की खबर सामने आ रही है। अब एक और खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दबंगों ने एक बहुजन युवक को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटा और उसके पैसे व मोबाइल भी छीन लिए, जिसको वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो घटना गुना के बजरगढ़ थाना क्षेत्र की है। परिजनों ने बहुजन युवक को उसी घायल व्यवस्था में अपनी नजदीकी पुलिस थाना में लेकर गए और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। हालांकि इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाने साधते हुए लिखा कि सिंधिया के क्षेत्र गुना में फिर बहुजन की पिटाई की जा रही है। एक बहुजन व्यक्ति की दबंगों ने रस्सी से बांध कर पिटाई की है और उसका मोबाइल एवं 6,000 रुपए छीन लिए है। और शिवराज की सरकार को भी घेरते हुए लिखा कि शिवराज बहुजन मुक्त मध्य प्रदेश बनाना चाहते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।